उठा के नहीं लेके जा सकता मैं बोलता हूँ। आप क्वेश्चन करोगे क्या? ये जो नया प्रोजेक्ट जो आपने मांगा है और जो ऑलरेडी आया है डीपीआर नया भी कुछ बन रहा है, तो इससे टोटल डेवलपमेंट में और आपका जो ड्रीम है उसमें कितना है? देखिए, त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है और माननीय नितिन गडकरी जी इस विषय में कटिबद्ध हैं। मुझे बहुत गर्व होता है जब विधायक बनने के बाद मुझे मुख्यमंत्री के नाते चुना जाएगा, वो दायित्व भी उनके पास ही थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में दिया था, आप त्रिपुरा आए और मुख्यमंत्री के नाते मेरे को काम करने का निर्णय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है, तो आपके माध्यम से त्रिपुरा में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं कोशिश करता हूँ उस दिशा में काम करने की। देखिए, मैं नितिन गडकरी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मैंने त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए उनसे कुछ मांगा तो उससे ज़्यादा ही कुछ मिला। आज भी 9 प्रोजेक्ट है जो कि 2752 करोड़ की है। त्रिपुरा के इतिहास में इतने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी ऐसा कभी हुई नहीं है। अगर बस सोचिए, ये 2752 करोड़ की 1.5 साल में जो रोड कंप्लीट हो जाएगी तो त्रिपुरा कैसे बदलेगी। साथ ही साथ मैंने अभी ही भाषण में उठाया था कि मुझे और भी 900 करोड़ का और जाइका से एक प्रोजेक्ट का सेंक्शन चाहिए, पर आपने मैंने मांगा 900 करोड़, उन्होंने तुरंत 7552 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। आप एक बार सोचिए, अगले 1 साल में 7500 करोड़ और साथ ही साथ इधर 6000 करोड़ दोनों मिला के कितने करोड़ का काम, और उसके से ये तो टेंडर है रोड की, उसके बाद लैंड एक्विजिशन, इसमें बड़ी मात्रा में पैसा राज्य सरकार की जो राज्य में रहने वाले लोगों को मिलता है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के लैंड हो तो हम दे देते हैं, किंतु प्राइवेट लैंड जब भी एक्वायर करता है उसको 4 गुना कीमत मिलती है। ये त्रिपुरा का इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है। अभी जो 2752 करोड़ है इसमें एजुकेशन का बहुत सारी पैसा है जो कि इसमें आया नहीं है, ये तो ओनली टेंडर है, रोड टेंडर है, तो ये लगभग 5000 करोड़ के ऊपर है लैंड एजुकेशन लेके अब चलेंगे तो उस दिशा में आज त्रिपुरा को विजयादशमी के मैंने शुभ अवसर के बाद ही तुरंत महादुर्गा के आशीर्वाद से आज हम लोगों को इतना बड़ा एक सौगात मिला है माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से। और साथ ही साथ आपने आशा व्यक्त की है 2050 तक एक लंबे योजना बना के त्रिपुरा के लिए हम तैयारी करें जो सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा सरकार उस दिशा में काम कर रही है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हाईएस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही एक सेक्टर है आपको 6 मंथ के अंदर आपको रिटर्न देती है, बाकी कोई सेक्टर नहीं देता। और ये जो एडिशनल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा आता है ये भी आपके इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाता है, साथ साथ ग्रोथ रेट बढ़ाती है, ये ग्रोथ रेट बढ़ाती है आपके इकोनॉमी के, तो दोनों मिला के ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव जो रोड है ये चुराईबारी से लेके अगरतला तक आएगी, कैलाश शहर, कुमारघाट और कुआई होके ये पूरे रास्ते में कहीं भी बड़मुरा भी नहीं है, अठारमुरा भी नहीं है और लंगतराई नहीं है, जिसके कारण से लैंडस्लाइडिंग होती है, दूर भी होता है, और ये 40 किलोमीटर कम हो जाएगी डिस्टेंस, 40 किलोमीटर अभी 200 किलोमीटर है चुराईबारी तक, ये 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक तो आपको 6 घंटा लगता है चुराईबारी तक, ये 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, समय कम लग रहा है और उसमें पहाड़ी एरिया नहीं है, लैंडस्लाइडिंग की संभावना नहीं है, तो इस तरीके से त्रिपुरा का चित्र बदल रहा है। और जो हमारे दिसंबर में साबरूम के फेनी नदी का ब्रिज कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद त्रिपुरा का चित्र ही बदल जाएगा। जो लॉजिस्टिक हब के बारे में माननीय नितिन गडकरी जी बोल रहे थे, इनको जानकारी है,
और भी वो देना चाहते हैं अभी, जैसे उन्होंने बताया है असम सरकार को हमने दिया, आप भी ऐसा और भी करो। हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक हब साबरूम में अप्रूव हो चुकी है। आईसीपी के बारे में आपने बताया, आईसीपी का अप्रूव आदरणीय गृहमंत्री जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। 235 करोड़ सेंक्शन हो चुकी है, आ चुकी है पैसा। और साथ ही साथ जो हमारा एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को बदल देगा। ये कॉरिडोर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, पूरे हमारे जो साउथ दक्षिण पूर्व एशिया की साथ वाणिज्यिक जो संबंध है इसको नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ देगा। और मुझे पूरा भरोसा है जो हम लोग त्रिपुरावासी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अन्नदाता के नाते हम लोग साबित होंगे। और मेरे त्रिपुरा के नौजवान लड़का लड़कियों को, जिसको अभी बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर यही रोजगार कर सकता है, यही वो बिजनेस कर सकता है, यही उनको सब कुछ मिलेगी। आईटी हब से लेके प्राइमरी सेक्टर तक सब दिशा में त्रिपुरा सरकार काम कर रही है। माध्यम से त्रिपुरा के सभी नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये दुर्गा उत्सव के बाद शारदीय दुर्गा उत्सव हम लोगों ने कोरोना के कारण से थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ मनाया है, और उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कल्पना नहीं की थी जो इस तरीके से आप लोग दुर्गा पूजा को डिसिप्लिन तरीके से मनाएंगे। इक्का दुक्का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, किंतु इनको भी उसी सिस्टम में लाया गया है। और मुझे आशा है कोरोना का प्रकोप त्रिपुरा में अगले जो समय आ रहा है इसमें नहीं रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हमारे इम्यूनिटी पावर भी हम लोगों ने अपने आप कर लिया है, हम कोरोना को बिल्कुल हरा देंगे। कब इसका टीकाकरण आएगी या वैक्सीनेशन आएगी उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, जब आएगा तो आएगा। हमारा काम जो है त्रिपुरा को आगे लेके जाना है, और हमारे सावधानता के साथ काम करना है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे निकलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो आशा व्यक्त की है, त्रिपुरा निश्चित उस दिशा में जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के कॉरिडोर बनेगी। दो और উনি আমাকে আগেও মিথানলের মিক্স করে গাড়িকে ইঞ্জিনকে চেঞ্জ করতে হয় আমাকে, আগে উনি আগ্রহ করেছেন। উনি চাইছিলেন যে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় ব্যাম্বু আছে, উনি আজকে বলছিলেন যে ত্রিপুরাতে, আমাকে আগেও বলেছিলেন যে রেলের মাধ্যমে র্যাকের করে ত্রিপুরা ব্যাম্বু বাইরে নিয়ে বিক্রি করা, আর তাতে ত্রিপুরা বড় রোজগার হতে পারে, উনি আগেই বলেছিলেন। আজকে আবার উনি সেটাকে রিপিট করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যে ইথানল আসামে তৈরি হচ্ছে সেটাকে নিয়ে এসে, কারণ তাতে আমাদের যেমন সিএনজি ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হয়, তেমন ইথানলের জন্য চেঞ্জ করতে হয়, তাতে আমাদের যে খরচাটা কমে যাবে, যেমন 70-75 টাকা যদি লিটার হয় পেট্রোলের তো বা ডিজেলের, তো সেটা কমে কমসে কম 25% আশপাশ কম হয়ে যায়। তো উনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন, আমি আমাদের কনসার্ন সেক্রেটারি এবং চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করব সেটা কীভাবে করা যেতে পারে, কতটা সময় লাগবে। তাছাড়া আরেকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, ত্রিপুরা এমনিতে আমাদের কাছে বড় মাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাস আছে, সিএনজি স্টেট ত্রিপুরা এমনিতেই কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাবে, তার সেই দিশাতে আমরা কাজ করছি। বিভিন্ন জায়গাতে নতুন নতুন সিএনজি স্টেশন হচ্ছে, আর সব জায়গাতে যাতে সিএনজি লাইন পৌঁছে দেওয়া সেই দিশাতে আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমি আশা করি যে ত্রিপুরা একমাত্র স্টেট হবে সবার আগে যে সিএনজি স্টেট ঘোষণা হয়ে যাবে, আমরা সেই দিশাতে অলরেডি স্টেপ নিয়ে নিয়েছি। আর আজকে মাননীয় নিতিন গাডকারি জি যে ইথানলকে বিষয়ে কথা বলেছে, সেই দিশাতে আমরা দেখব যে সিএনজি আর ইথানলের মধ্যে কোনটা সস্তা পড়ছে, কোনটা কমফোর্টেবল থাকবে ত্রিপুরা স্টেট, তো সেই দিশাতে আমরা পদক্ষেপ নেব। স্যার, বাসটাকে বাইরে পাঠানোর ব্যাপারটা আর সঙ্গে ভ্যালু এডিশন ইন ত্রিপুরা ইটসেলফ, দেখুন আমরা যখন ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে মাননীয় নিতিন গাডকারিজিকে আগ্রহ করেছিলাম অ্যাজ এ এমএসএমই মিনিস্টারকে নাতে, যে উনি যখন আগরবাতি রাউন্ড স্টিকের জন্য 5 স্টেটের নাম ঘোষণা করেছিলেন প্রায়োরিটিতে, তখন ত্রিপুরার নাম ছিল না। আগ্রহ করার পর ত্রিপুরাকে উনি অ্যাড করেছেন। এবং এখানে অলরেডি জিতেন্দ্র সিং বলছিলেন যে আমাদের কুমারঘাটে এবং পানিসাগরে আমাদের আগরবাতি স্টিকের রাউন্ড স্টিক বানানোর যে প্ল্যান্ট আমরা শুরুয়াত করে দিয়েছি, এবং তার সঙ্গে থেকে ছোট ছোট লোন দিয়ে এমএসএমই মাধ্যমে যাতে করতে পারে সেই দিশাতেও আমরা রাজ্য সরকার কাজ করছি।
और वैल्यू एडिशन सबसे बेस्ट कारण बैम्बू बाश ওখানে বিক্রি করে দেয় সিধা এর চাইতে যদি ব্যাম্বু স্টিক তৈরি করে আমরা বিক্রি করি বা এখানে আজকাল শুধু ব্যাম্বু স্টিক না এখানে অলরেডি রাউন্ড স্টিং এর সঙ্গে সঙ্গে আগরবাতি ধূপকাঠি তৈরি হচ্ছে যেটা ত্রিপুরাতে আগে হতো না এবং বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে তো ভ্যালুয়েশন ওখানে হয় কারণ যখন আমি পুরো কাঁচামালটা আমার এখানে আছে র ম্যাটেরিয়াল এখানে আছে তাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে ডেভেলপ করব সঙ্গে প্যাকিং করে তারপর বাজারজাত করব এতে আরো বেশি লাভবান হবে আর ত্রিপুরা সরকার অলরেডি সেই দিশাতে কাজ করা শুরু করেছে এবং সবগুলো স্কিম সাবসিডাইজ স্কিম দিয়ে আমরা শুরু করেছি একটু ভারত সরকার সাবসিডি আছে তার মধ্যে আর ত্রিপুরা সরকার আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে সাবসিডি দিয়ে আমরা সেই দিশাতে কাজ করছি শুধু ব্যাম্বু দিয়ে শুধু আপনার আগরবাতি স্টিকও নয় এখানে ব্যাম্বু বোতল তৈরি করা হচ্ছে তার মধ্যে বাজারজাত করার জন্য হানি ব্যাম্বু বোতলে করে আমরা বাজারজাত করছি বিস্কিট বাস্করলে তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে ব্রুম স্টিকের যে ঝাড়ু সেটা কমপ্লিটলি অর্গ্যানিক যে সেই জায়গায় কোনো জায়গাতে প্লাস্টিক নেই ব্যাম্বু বাঁশ দিয়ে তার হ্যান্ডেল তৈরি করা এটা ত্রিপুরাতেই প্রথমবার তৈরি হচ্ছে এবং বড় মাত্রায় আমার কাছে যেটা সংখ্যা আছে 1000 কাছাকাছি আমার জনজাতি বোনেরা সেই কাজটা করছে এবং সেটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য রোজগার নিয়ে আসছে আমি আশা করি আগামী দিনে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর এবং ফরেস্ট যে সেক্টর আছে দুই সেক্টর মিলিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার জন্য হীরাকে নাতে উপহার দিয়েছেন এই তিনোটা মিলিয়ে ত্রিপুরাকে আমরা নিশ্চিত এগিয়ে নিয়ে যাব এবং সাকসেসফুল ত্রিপুরা সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন আর আমি যেটা বলেছিলাম যে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা মডেল স্টেটের দ্বার করাবো আর 3 বছরে আপনাদের সামনে আসবো আর মডেল স্টেটের সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে দেবো আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম 15 তারিখ থেকে কিন্তু এটা রিপোর্টটা কম্পাইল করতে সময় লাগে 10-15 দিন একটা সময় লাগে গ্যাপিং গ্যাপিং দিয়ে করতে হয় তো কম্পাইল হচ্ছে কম্পাইল হলে এক দিনের মধ্যে চলে আসবে সবাইকে বুঝার অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন।